Hello everyone, welcome back to my channel, Make Cooking Easy with Aradhya. तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही easy और delicious strawberry cake की recipe, जिसको आप किसी भी birthday, इस Christmas या फिर New Year पे भी बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसकी recipe देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक कढ़ाई प्रीहीट होने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर, और आप इसे जब तक ये हीट कर रहे हैं तब तक हम अपने केक बैटर को बना लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक बोल में हम लोग ले लेंगे 3/4 कप दूध। आप यहाँ पे कच्चा दूध भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे उबला दूध भी यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है वो। फिर हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप तेल। यहाँ पे मैंने रिफाइंड तेल लिया है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं, बस उसमें कोई भी शार्प स्मेल या टेस्ट नहीं होनी चाहिए जैसे कि सरसों के तेल में होती है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे 3/4 कप पिसी हुई शक्कर। इसे डालने के बाद हम इसे दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये अच्छे से क्रीमी और स्मूथ नहीं हो जाता। आप मेक श्योर करिएगा जब भी आप विस्किंग या फिर मिक्सिंग करें तो आप उसे ढंग से कर रहे हो। अगर आपका केक बैटर अच्छे से मिक्स्ड है और उसमें हर एक इंग्रेडिएंट अच्छे से डिसॉल्व्ड है तो आपका केक का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच स्ट्रॉबेरी एसेंस। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी एसेंस नहीं है तो आप चाहे तो वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, वरना इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन एसेंस से बहुत ही अच्छा फ्लेवर और स्मेल आता है, तो अगर आपके पास हो तो जरूर डालेगा। फिर बोल के ऊपर हम लोग रख देंगे एक छन्नी और उसमें डालेंगे 1/4 कप मैदा, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का प्रपोर्शन और मेजरमेंट बिल्कुल सही रखिएगा, उसी से आपका केक ढंग से फूलेगा और उसका टेक्सचर अच्छा आएगा। अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद इसे एक स्पैचुला की हेल्प से कट एंड फोल्ड मेथड की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। पहले आप सारे इंग्रेडिएंट्स को एक संग मिक्स करेगा, फिर एक विस्कर की हेल्प से इसे अच्छे से विस्क करके एकदम लंप फ्री कर लीजिएगा और एक स्मूथ रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर बन जाएगा। फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे लगभग 2 से 3 ड्रॉप पिंक जेल फूड कलर की। आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फूड कलर डालने से बस इसमें कलर आएगा और कोई भी इफेक्ट नहीं आएंगे इसमें, तो अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। फिर हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच विनेगर। विनेगर से हमारा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा एक्टिवेट हो जाता है। तो उसको डालने के बाद आप इसे हल्के हाथों से मिक्स करेगा और तुरंत ही इसे ग्रीस टिन में ट्रांसफर करके बेक होने के लिए डाल दीजिएगा। तो इसे लगभग 1 मिनट से अच्छे से मैंने विस्क कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना टिन ग्रीस करके ऑलरेडी रखा हुआ था, नीचे बटर पेपर लगा दिया और थोड़ा तेल से ग्रीस कर दिया। तो अपने केक बैटर को जल्दी से इस ग्रीस किए हुए टिन में डाल देंगे। टिन में डालने के बाद हम इसे अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि अच्छे से लेवल हो जाए और जितने भी बड़े एयर बबल्स है वो हट जाए। अब हम तुरंत इसे ट्रांसफर कर देंगे अपने कढ़ाई में। तो यहाँ पर हमारी कढ़ाई अच्छे से प्री हीट हो चुकी है। तो अब इस केक टिन को इसमें ट्रांसफर करके इसे ढक कर लगभग 40 मिनट पे बेक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। आप मेक श्योर करिएगा आपका जो लिड है वो ढंग से प्रॉपरली लगा हो, और अगर उसमें कोई भी होल है तो आप उसे आटे की हेल्प से कवर कर सकते हैं। तो लगभग 40 मिनट बाद हमारा केक बनकर है तैयार। अब मैं इसमें एक टूथपिक को प्रिक करके देख लूंगी कि अच्छे से बेक हो चुका है कि नहीं। अगर आपका केक अभी बेक नहीं होता है तो इसे 5 मिनट के और बेक होने दीजिएगा। इसे कच्चा मत रखिएगा वरना बाद में हमारा केक डेंस हो जाएगा। तो अब हम इसे अपनी कढ़ाई से निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होते वक्त आप इसके ऊपर कोई भी क्लॉथ डाल दीजिएगा ताकि इसके जो ऊपर वाली लेयर है वो क्रस्टी ना हो जाए। तो क्योंकि हमारा केक अच्छे से पका था और हमने इसे अच्छे से ठंडा होने दिया है तो उसने अपने साइड्स को ऑटोमेटिकली छोड़ दिया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप एक नाइफ के हल्के से उसके साइड में रन कर दीजिएगा, फिर इसे डीमोल्ड कर लीजिएगा। अब हम इसका बटर पेपर को हटा लेंगे और केक को कर लेंगे फ्लिप। आप देख ही सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बना है, और जब हम इसे अभी कट करेंगे तो आप इसका टेक्सचर भी देखिएगा, एकदम परफेक्ट टेक्सचर आया है। तब हम इसे टॉप से लेवल कर लेंगे।
थोड़ी सी जो पतली सी लेयर हटा दीजिएगा, जितनी रिक्वायर्ड हो ज़्यादा नहीं हटाइएगा। फिर इसे हम तीन लेयर्स में कट कर लेंगे और आप देख ही लिए थे कितना अच्छा केक का टेक्सचर आया था। और यहाँ पे मैंने एक कप व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से व्हिप कर लिया था जब हमारा केक ठंडा हो रहा था। मेरी व्हिप करती हुई की फुटेज डिलीट हो गई थी गलती से, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ मैंने इसे स्टिफ पीक तक अच्छे से व्हिप कर लिया और इसमें लगभग 2 से 3 ड्रॉप स्ट्रॉबेरी एसेंस और लगभग 1 ड्रॉप पिंक जेल फूड कलर डाल दिया था। आप चाहें तो फूड कलर और एसेंस को स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम अपने केक बोर्ड पर लगा लेंगे थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम, उसके ऊपर रख देंगे केक की लेयर, फिर हम इसमें लगा देंगे थोड़ा सा शुगर सिरप, इससे हमारा केक प्रॉपरली मॉइस्ट रहता है। शुगर सिरप लगाने के बाद हम इस पर लगा देंगे एक व्हिपिंग क्रीम की अच्छी सी लेयर। आप इस लेयर को ज्यादा थिक भी मत रखिएगा ना ज्यादा थिन। तो यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम की एक लेयर लगा दी है इस पे। अब मैं इस पे ड्रिजल कर लूंगी थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी सिरप। आप कोई भी ब्रांड का स्ट्रॉबेरी सिरप यूज कर सकते हैं, जो भी आपका अच्छा लगता हो। ड्रिजल करने के बाद इसे एक स्पैचुला या फिर पैलेट नाइफ की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हर जगह इसका फ्लेवर इवनली स्प्रेड हो जाए। अब हम सारे स्टेप्स को अच्छे से रिपीट कर लेंगे, एक और केक लेयर लगाएंगे, फिर व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे और फिर स्ट्रॉबेरी सिरप और साइड में क्रम कोट कर लेंगे। तो मैं आपको स्पीड अप करके सारा स्टेप्स दिखा देती हूँ जो भी मैंने किया है। तो यहाँ पे मैंने अपनी लास्ट लेयर को रख लिया इस पे और इसे भी शुगर सिरप से अच्छे से मॉइस्ट कर लिया है। फिर मैंने इसे सबसे पहले क्रम कोट कर लिया है, फिर इसे अच्छे से कोट कर लिया है व्हिपिंग क्रीम की एक पतली लेयर से। मैं ज्यादा थिक लेयर नहीं रखती व्हिपिंग क्रीम की, आप चाहें तो थिक लेयर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़े से स्ट्रॉबेरी सिरप से अपने केक के टॉप पे डिजाइन बना लूंगी। क्योंकि मेरे पास पाइपिंग बैग नहीं था तो मैं एक पॉली बैग की हेल्प से एक पाइपिंग बैग बना के इसे यूज कर रही हूँ। आप केक कोई भी मेथड से डेकोरेट कर सकते हैं, अपनी पसंद की डेकोरेशन से डेकोरेट कर सकते हैं या फिर जो डेकोरेशन मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ आप उसे भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी सिरप से साइड में थोड़े से ड्रिजल्स बना लिए और यहाँ पे जो मैं डेकोरेशन कर रही हूँ वो बहुत ही सिंपल डेकोरेशन है, कोई भी इसे आराम से कर सकता है। फिर मैंने केक के टॉप पे एक टूथपिक से हल्का सा डिजाइन बना लिया है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो बना भी सकते हैं। फिर हर दो टूथपिक की लाइन के बीच में मैंने यहाँ पे टॉप पर रोजेट बना लिया है। और फिर केक के बेस पे मैंने एक सिंपल सा बॉर्डर डिजाइन बना लिया। आप स्टार बॉर्डर डिजाइन या फिर यहाँ पे जो मैं बॉर्डर डिजाइन कर आप उसे यूज कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे या जो भी आपको आता है वो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। फिर मैं टॉप पे डाल दूंगी थोड़ी सी गोल्डन सिल्वर बॉल्स और थोड़ी सी व्हाइट सिल्वर बॉल्स और हमारा केक है बनकर तैयार। इतनी सिंपल सी डेकोरेशन थी और इतना अच्छा केक भी बना है। तो आप अपनी मन पसंद की डेकोरेशन करें, अपने सारे आइडियाज को केक पे यूज कर सकते हैं और इतनी सिंपल सी डेकोरेशन से इतना अच्छा सा केक बना सकते हैं। तो आप जब भी इस केक को बनाएं, चाहे वो कोई बर्थडे पार्टी या क्रिसमस या न्यू ईयर हो, तो अपने फीडबैक मेरे संग जरूर शेयर करिएगा। अब मैं आपको इस केक को कट करके भी दिखा दे रही हूँ कि इसका टेक्सचर अंदर से कट करने के बाद भी कितना अच्छा और कितना मॉइस्ट है। और अगर आप मेरे केक्स को रिक्रिएट करते हैं तो आप उसे मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं हर एक केक लेयर के बीच में एक इवन व्हिपिंग क्रीम की अमाउंट है और कितना मॉइस्ट केक है और उसका टेक्सचर अभी भी जालीदार। सो आई होप आपको रेसिपी पसंद आए। अगर पसंद आए
तो मेरे वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही अच्छे अच्छे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक लिए मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी कुकिंग।